हाँ जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर एक्ट। ये घर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। घर क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि ये है 560 स्क्वायर का साइज। कहाँ पे है? सुशांत लोक 2 में। लोकेशन क्या है? बहुत ही प्राइम मार्केट, बहुत बगल में है, हुडा मार्केट सेक्टर 56 की बहुत मशहूर है, वो आपके पास में है। रैपिड मेट्रो 2 मिनट्स की ड्राइव पे है। 10 मिनट की ड्राइव पे आपको साइबर हब मिलता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, आपको डायरेक्ट गोल्फ कोर्स रोड के काफ़ी नियरेस्ट है प्रॉपर्टी। स्कूल एंड हॉस्पिटल सब आसपास हैं। अगर हॉस्पिटल की बात करूं तो डब्ल्यू प्रतीक्षा हॉस्पिटल काफ़ी पास में है, आरटीपीएस हॉस्पिटल पास में है, आनंद हॉस्पिटल एक छोटा हॉस्पिटल है वो भी काफ़ी आपके नियरेस्ट पड़ता है। और स्कूल्स की बात करें तो शैलो मिल्स इंटरनेशनल स्कूल आपके बहुत नियरेस्ट है, और SGSC स्कूल आपके पास में है। तो स्कूल तो बहुत सारे आपके आसपास आपको मिलते हैं, बताना तो पड़ेगा डिटेल। 4 बेडरूम 4 वॉशरूम, काफ़ी बढ़िया ड्राइंग डाइनिंग है, ड्राइंग डाइनिंग सेपरेट है, और आपका फैमिली लॉज भी आपको मिलता है इसमें, पाउडर रूम का भी स्पेस मिलता है। और सबसे बड़ी USP है कि आपको हर रूम से डिफरेंट और प्राइवेट बालकनीज आपको मिलती हैं, एक बालकनी से दूसरी बालकनी का जाने का एक्सेस नहीं है। सिर्फ फ्रंट के अंदर आपको जो आपको घर कनेक्टेड मिलता है वो आपको ड्राइंग रूम और आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ बालकनी अटैच मिलेगी। उसके अलावा पूरे घर के अंदर जो बालकनी है वो आपको प्राइवेट बालकनी आपको मिलती है। बिल्डर ने कुछ थॉट प्रोसेस पे ये घर बनाया है। काफ़ी डिस्कशन हुआ हमारा कि यार आपने इतना डिफरेंट लेआउट मार्केट में लॉन्च किया है तो ये ऐसा क्यों? तो उनका कहना था कि यार मैं ना गोल्फ स्टेट में रहता हूँ और मैं काफ़ी सालों से वहाँ पे रह रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि यार हमें भी कुछ इस तरीके की चीज़ बनानी चाहिए जो क्लाइंट बिल्डर फ्लोर में भी उस तरीके का लेआउट निकाल लें। कहते हैं मैंने छोटे साइज़ में काफ़ी ट्राई कर रहा था, क्योंकि काफ़ी सालों से बिल्डर हैं तो काफ़ी सालों से ट्राई कर रहे थे, छोटे साइज़ में ये काम नहीं हो पा रहा था। तो इन्होंने कुछ यूनिट्स ली, बनाई, हमने उनकी बेची भी, टॉप नोच काम किया हुआ है। मैंने 3-4 फ्लोर इनके पहले भी बेचे हैं, तो टॉप नोच काम करते हैं, और आपको घर आने के बाद समझ भी आ जाएगा कि 55, 56, 57 में इससे बेहतरीन आपको लेआउट और इससे बेहतरीन PVC वो कहीं नहीं मिलेगी। बिल्डर ने काम तो अच्छा किया, काम तो अच्छा किया ही हुआ है, साथ साथ आपको VR भी मिलता है, सारे आपको ACs मिलते हैं, आपको पूरा इटालियन मिलता है, बेडरूम्स में आपको वुडन टेक्सचर की टाइल्स मिलती हैं, और मॉड्यूलर आपका वॉशरूम्स हैं, किचन आपके सामने ही है, और घर बहुत अच्छा होने वाला है। तो बहुत लंबा हो जाएगा इंट्रोडक्शन, तो ज़्यादा देर नहीं करते, मैं आपको घर दिखाता हूँ, आइए। सामने नजर आ रही है, और ये आपके फ्रंट एलिवेशन, तो कुछ इसमें कुछ आपको कॉर्नर का फील मिलेगा, और यहाँ से आपकी मेन आपकी छोटी एंट्री दी है, जो भी आपके घर में गेस्ट आएगा इस तरीके से एंट्रेंस करता है, ग्रेनाइट आपके सामने, और ये है आपका लॉबी एरिया, ठीक है। यहाँ से आपके घर में कोई भी आएगा यहाँ से आपको घर में एक्सेस करेगा। स्ट्रीट पार्किंग में भी इन्होंने बहुत सारे प्रोविजन दिए हैं, जैसे कि आपको लॉबी एरिया हो गया, बकायदा AC भी लगा है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों का बिल्डर ने ध्यान रखा है, बेहतरीन सोच है बिल्डर की। अपने घर में ही इन्होंने पार्किंग को, स्ट्रीट पार्किंग को यहाँ पे आपको बड़ी प्यारी फील दी है। ये साइड है, और दो आपके डेक हैं सेकंड और थर्ड फ्लोर पे, और पूरी पार्किंग इस तरीके से आप देखें, कुछ हर एक चीज़ को डिज़ाइन किया है। यहाँ पे आपको बैठने का है, और पूरा आपको मेंटेन्ड आपको पार्किंग मिलती है। पार्किंग इतना ह्यूज एम्पल ऑफ स्पेस है। बाकी जो बिल्डर का कहना है वो ये है कि इस एरिया में अगर हम 3-3 गाड़ियों की पार्किंग हर एक घर को देते हैं तो 2 बड़ी गाड़ियाँ लगती हैं, 3 छोटी गाड़ियाँ लगती हैं,
और यहाँ पे बैठने का स्पेस है पूरा, आपको ये पार्किंग का स्पेस मिलता है, ये आपकी पार्टी लॉन बना सकते हैं, घर में कोई आपकी छोटा मोटा फंक्शन करते हैं तो आप अपना बढ़िया तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। कोई भी आपको सर्वेंट का स्पेस नीचे नहीं दिया गया, आपको अपने फ्लोर के साथ ही मिलता है, ये पूरा आप बढ़िया से पार्टी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका सॉकर का लगाया हुआ है इन्होंने टेबल, बैठने का एसी भी दिया गया है, कैमरास भी इंस्टॉल किए हुए हैं। ये एरिया आपके जेनसेट का प्रोविजन है जो आपका 100% बैकअप का रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। और ये अंडर वाटर स्टोरेज है, पूरा इसको हाइड किया हुआ है आर्टिफिशियल ग्रीनरी से, और ये पूरा स्टोन वर्क किया हुआ है। तो कोई भी पार्किंग में स्टोन वर्क बहुत कम करते हैं, टाइल्स लगा देते हैं या ग्रेनाइट लगा देते हैं, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पड़ती है। और पार्किंग में आपकी नेचुरल लाइट हमेशा रहेगी क्योंकि ओपननेस बहुत ज़्यादा है ना, तो ये फैक्टर बिल्डर ने बहुत ध्यान रखा है। और ये पूरी एक एक चीज़ आपकी सेपरेट है। यहाँ पे नीचे वॉशरूम भी दिया गया है, यहाँ पे मेड्स के लिए है। आ जाओ मैं ऊपर चलता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी के लिए उन्होंने जाल दिया हुआ है, अंदर कोई ना जाए। और यहाँ से हमारी मेन एंट्री है, ये भी आपकी बंद रहेगी, TKE ब्रांड की लिफ्ट है और इस किस तरीके से आपकी स्टेयर्स है। तो ये ना ओपन टू स्काई है, तो आपके हर एक फ्लोर पे नेचुरल लाइट रहेगी। हाँ जी, वेलकम बैक। लेआउट की बात करते हैं, घर का लेआउट। यहाँ से आप एंट्री करते हैं, एंट्री करते हैं आपके सामने एक हाइलाइटेड वॉल आती है इस तरीके से, या आपको डाइनिंग और आपको फैमिली लॉन्च का स्पेस मिलता है। इस तरीके से आपकी किचन हो गई, और ये पूरा आपको पैसेज मिलता है जिसमें आपको तीनों बेडरूम आपके इस तरफ है और एक बेडरूम आपको फ्रंट में आता है, ये है। और ये है आपका ड्राइंग रूम का स्पेस। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने डाइनिंग के स्पेस से। ये है आपका प्रॉपर डाइनिंग का स्पेस, पूरी सीलिंग हाइलाइटेड है वुडन टेक्सचर में। इसके सेंटर में आपको शैंडलर मिल रहा है, और ये आपको पूरा मॉडल किचन, ओपन किचन है और काफी बेहतरीन सिंगल कलर में आपको मिलता है, पूरा आपको व्हाइट कलर के अंदर आपको मिल रहा है। ये सिर्फ आपके पूरे व्हाइट कलर का है, सिर्फ सेंटर में आपको ब्लैक कलर का चिमनी के साथ आपको हाइलाइटेड मिलता है। फोर बर्नर हैफले का हॉब है और हैफले की चिमनी है, और काफी बेहतरीन काम। और टाइल्स यहां पे आपको ग्रीन कलर की हाइलाइटेड मिलती है। सेंटर में आपको डबल डोर रेफ्रिजरेटर का स्पेस मिलता है। एक बार आप अपने हिसाब से साइज एक बार इसको चेक करके, जो भी आपको फ्यूचर में ऑर्डर करवाओ तो एक बार साइज जरूर चेक कर लीजिएगा, डबल डोर आराम से आ जाएगा। और यहां पे आपको टॉल यूनिट मिलती है, हाफले की आपको माइक्रोवेव, हाफले की आपको OTG मिलता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे वॉशिंग एरिया है, आपको यहाँ पे कैरासिल का सिंक मिलता है, डबल बाउल है, यहाँ पे आप अपने यूटेंसिल्स रख सकते हैं। ओवरहेड स्टोरेज भी मिलती है आपको, यहाँ पे आप अपनी सारी चीज यहाँ पे आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये RO का प्रोविजन हो गया। यहाँ पे आपको आपको डिश वॉशर मिलता है, ये आपको डिश वॉशर आपको बाय करना पड़ेगा, ये डिश वॉशर का स्पेस है। इसके साथ इसकी कनेक्टेड बालकनी है, और ये शाम का व्यू कुछ इस तरीके से आपको लुक मिलने वाला है। तो ये है आपका प्रॉपर डाइनिंग का स्पेस, और ये आपको एक पार्टीशन मिलता है जो कि आप अगर इस पे अगर आप LCD लगाते हैं तो आप उसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये है आपका प्रॉपर फैमिली लॉन्च। ये फैमिली लॉन्च क्यों दिया गया है कि आप आराम से एकांत खेलना चाहते हैं बच्चों के साथ या बैठना चाहते हैं,
अपना मूवी इंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बढ़िया स्पेस मिलता है। इसके साथ आपको कनेक्टेड बालकनी मिलती है, हर रूम के साथ आपको बालकनी मिलेगी। डायकन की सारी यूनिट्स आपके सामने हैं, ऊपर आपके सामने डक्ट मिलता है, डबल वेंटिलेशन है, इधर से भी आपको नेचुरल लाइट मिलती है और आपको इधर आपको बालकनी मिल रही है। तो घर सच में बहुत बेहतरीन बनाया गया, ये आपको प्रॉपर पूजा का स्पेस, उसके बाहर डोर भी लगा के मिल रहा है। यार ऐसे जो लुक मिलती है, अब आप पूजा वगैरह जैसे समाप्त कर लेते हैं उसके बाद ये जो लुक है ये कितनी इन्हांस आपको मिलती है वो आपको पता लग रहा होगा। प्रॉपर आपको इटालियन मिलता है। तो अब आपको मैं इसके ड्राइंग रूम में लेके चल रहा हूँ। इस तरीके से आपको प्रॉपर सेपरेट ड्राइंग रूम का स्पेस मिल रहा है और सामने की वॉल हाईलाइट दी हुई है। स्टोरेज पूरे घर में आपको एम्पल ऑफ स्पेस मिलेगा। फ्रंट का स्लाइडर्स भी है आपके सामने। ये आपको कनेक्टेड बालकनी मिलती है, बहुत ही बेहतरीन बालकनी। एम्पल ऑफ लाइट है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, जब आप दिन के टाइम में आओगे तो आप इसको फील कर पाओगे कि कितनी नेचुरल लाइट इसे। जब आप दिन की तरफ आएंगे तो आप फील कर पाएंगे कि कितनी नेचुरल लाइट आपको मिलती है। और यहाँ पे इन्होंने इसको अलग करा हुआ है, चाहते तो स्पेस कवर कर सकते थे पर इन्होंने अलग किया हुआ है। और टॉप टू बॉटम आपको नेचुरल लाइट अंदर तक मिलेगी। तो देखो आइडिया क्या है इस घर के पीछे, कि इन्होंने पूरे घर को जहाँ जहाँ 100% लीगल प्रॉपर्टी है, जहाँ जहाँ यूटिलाइजेशन करना चाहिए नेचुरल लाइट का और ज़्यादा धूप बना रहे हैं, दोनों चीज़ों को इन्होंने मिक्स करके इन्होंने ये ड्राइंग बनाई है और अपार्टमेंट लुक का लेआउट बनाया है। तो सारे घर में आपको देखो ऊपर VRV का आपको डक्ट नज़र आ रही है, सीलिंग बहुत टॉप नॉच, साइडों में फैंस हैं और सेंटर में आपका शेल्टर मिलता है आपको। और इस तरीके से आप घर का पूरा पैसेज, तकरीबन 5 फीट वाइड पैसेज है। फर्स्ट बेडरूम के अंदर हम एंटर करते हैं, एंट्री करते ही ये वुडन टेक्सचर की टाइल्स है, ये टाइल्स है। अगेन वॉलपेपर, हाइलाइटेड वॉल, वॉलपेपर पूरे घर में है, एक एक वॉल पे, ठीक है। अगर आप अपने हिसाब से कुछ कराना चाहते हैं तो वो भी प्रोविजन है। बालकनी आपको अटैच मिलती है, और क्योंकि ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा मैं जल्दी कर दूँ क्योंकि ऐसे मुझे लग रहा है कि 1 घंटा भी पार हो जाएगा, तो मैं तो घर को डिस्क्राइब करता रहूँगा। अब हम आते हैं इसके वॉशरूम में। इस तरीके से इसका वॉशरूम, सामने की तरफ मिरर, ये आपकी वॉश बेसिन, ये आपके टॉप, नीचे आपकी वैनिटी, 4 सेक्शन वार्डरोब्स, अभी इसमें LED लाइट्स हैं, तो क्यों नहीं चल रही वो एक बार पता करना पड़ेगा। फिटिंग्स, ये पूरे स्लाइडर्स आपको मिलते हैं, फिटिंग्स सारी कॉलर की हैं। सामने की वॉल हाइलाइटेड, बाथ स्पेस भी है, टाइल्स भी मैट फिनिशिंग में दी गई है ना, काम टोटल है, काम काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब मैं आपको इसके अगले पार्ट में लेके चलता हूँ। ये आप जैसे आप एंट्री करते हैं तो सामने की आपकी वॉल हाइलाइटेड है, ठीक है। इस तरीके से आपका पाउडर रूम का स्पेस, ये पूरा आपको पाउडर रूम मिलता है। ये नीचे की तरफ आपको मार्बल दिया गया है, ये आपके हाइलाइटेड वॉश बेसिन है, हाईलाइट दी हुई है इसको, तो बढ़िया प्रीमियम। ये कॉलर की फिटिंग्स हैं सारी, WC और ठीक ठाक सा बढ़िया सा पाउडर रूम। स्पॉटलाइट्स आपको सामने पूरे पैसेज में आपको नजर आएंगी। ये है आपका डिसेंट साइज का बेडरूम। अगेन पूरे घर में वॉलपेपर आपको बताया, तो हर एक वॉल पे वॉलपेपर तो है ही, इसको आपने इन्होंने हाईलाइट दिया हुआ बिल्डर ने, और साइज बहुत बढ़िया है। अगर आप उधर से आप देखें तो साइज काफ़ी बड़ा है। अगेन वुडन टेक्सचर की टाइल्स हैं,
और इसकी जो और खासियत वो क्या है, इसकी बालकनी, ये पूरा आपको डेक मिलता है आपके ही फ्लोर पे। और ये पूरा जो फ्रेम जो मैं आपको दिखा रहा था, इसका क्या बेनिफिट है, इस पूरे फ्रेम का ये बेनिफिट है कि जिस तरीके से हमारी एफआईआर बढ़ती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो हमें ना क्या होता है कि बड़ी दिक्कत आती है कि बाद में स्ट्रक्चर खींचना पड़ता है, फिर लेंटर को एक्सटेंड करना पड़ता है, फिर बहुत सारे अप्रूवल्स देने पड़ते हैं। हम यहाँ पे जस्ट एफआईआर का जो प्राइस है वो लेके हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इन्होंने ऑलरेडी आपको टॉप फ्लोर तक पूरा का पूरा पिलर्स वगैरह सब डाल के दिए हुए हैं, सिर्फ आपको इनको लेंटर्स को एक्सटेंड करके वहाँ तक लेके जाना है और आपका काम फिनिश। बहुत कम लोग सोचते हैं, क्योंकि 550-600 गज का जो साइज़ होता है ना, उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए होती है बाद में एक्सटेंड करना, लोगों की मंजूरी लेना, चीज़ों की बात करना। तो यहाँ पे बिल्डर का दिमाग बहुत बेहतरीन लगाया, और इसी चीज़ की कॉस्ट आपको समझ आती है कि उन्होंने पहले ही आपके लिए कम से कम 20-25 लाख रुपये का पिलर सारा का सारा आपके सामने खड़ा कर दिया। हेड्स ऑफ है बिल्डर का। ये पॉइंट शायद किसी भी बिल्डर के दिमाग में नहीं आता। अगर आप इससे सहमत हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना कि ऐसा किसी और ने किया या नहीं किया। अब मैं आपको इसके वॉशरूम में लेके चल रहा हूँ। इसके साथ अगेन अटैच वॉशरूम है, सामने की तरफ सर्कल शेप में मिरर, अगेन सारी कॉलर की फिटिंग्स हैं, इवन वॉश बेसिन भी आपका कॉलर का, सारी फिटिंग्स आपकी कॉलर की है। स्लाइडर्स आपको पूरे मिलते हैं, कुछ कुछ आपको स्टोरेज का स्पेस भी मिलता है ना? तो इस तरीके से आपकी 4 सेक्शन वार्डरोब्स हैं। फॉल सीलिंग आप देखें, फॉल सीलिंग भी काफी डिसेंट है। तो हमने अभी 2 बेडरूम देख लिए। यहाँ पे आपके घर की पूरी यूनिट्स हैं जो इलेक्ट्रिकल यूनिट का है, इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। तो ये हर एक फ्लोर पे सारी की सारी वायरिंग आपको यहीं पर ही मिलती है आपको। ये स्पेस आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, ये भी एक आपका स्पेस है, आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं वो आपके ऊपर है। ये है 3rd बेडरूम, और अगेन बेड साइड की हाईलाइटेड वॉल है, बहुत ही बेहतरीन साइज है, जितना साइज आपको मिलना चाहिए उतना साइज इन्होंने दिया है। और आपको मैं अभी इसका वॉशरूम दिखाता हूँ। इस तरीके से ग्रैंड लुक में वॉशरूम, बहुत ही ग्रैंड लुक में आपको मिलता है। यहाँ पे आपका एक स्टैंडिंग मिरर है, और ये आपका सर्कल शेप में मिरर, सारी फिटिंग्स आपकी कॉलर की हैं, पूरे वॉशरूम आपका कॉलर की फिटिंग के साथ है। यहाँ पे लेडीज़ के लिए इन्होंने अलग से एक ड्रेसर का स्पेस दिया है, यहाँ पे रैक्स बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडिंग मिरर है, अपनी अपनी बिंदी लिपस्टिक निकाल के प्रॉपर आप तैयार हो सकते हैं। ये आपका स्लाइडर्स 4 सेक्शन, कुछ इस तरीके से आपको स्टोरेज का स्पेस, ओपन स्पेस है। कहा था ना बाकी दोनों बेडरूम में नहीं चल रही थी, वॉशरूम्स में नहीं चल रहा, यहाँ पे आपकी एलईडी लाइट्स नजर आ रही हैं। तो एक तो शाम का टाइम है, और एक एलईडी लाइट ना जले तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है यार, जल भी दिए दे भी रहे नहीं है। तो स्पेस काफ़ी अच्छा है, टाइल्स का कॉम्बिनेशन काफ़ी डिसेंट है, नीचे आपकी वैनिटी ठीक ठाक साइज में मिल रही है। ये आपको शेंडर मिल, इस तरीके से आपको शेंडर मिलता है, आपकी फॉल सीलिंग वेरी नाइस। तो मैं आपको इसके साथ की बालकनी, क्योंकि उधर आपको डेक दिखाया, ये प्रॉपर आपकी एल शेप की बालकनी के ठीक पीछे गोल्फ कोर्स रोड है, और ये घर आपके बैक साइड में, घर आपका बैक साइड पे होकर भी ये जो बैक साइड की बालकनी है होकर भी आपको फ्रंट लगता है, तो पूरी कनेक्टेड बालकनी है। और आपको मैं बता रहा था ना, ये वॉलपेपर देखो, इन्होंने ये देखो ये सारे आपके ये वॉलपेपर हैं, आप देख सकते हैं ये पेंट नहीं है। तो अब मैं आपको इसके 4th और लास्ट बेडरूम में लेके चल रहा हूँ। ये प्रॉपर रेप्लिका है,
50% इधर बना तो सेम उसका कॉपी है, यहाँ पे ये रूम और सेम उसी तरीके का शेंडर लगा हुआ है, सेम बेडशीट की बैक कनेक्टेड बालकनी, बढ़िया घर, टॉप नॉच फिनिशिंग और सेम आपका उसी तरह का वॉशरूम, उसी तरह का ड्रेसर। देखें सिर्फ सामने की हाइलाइटेड जो टाइल्स हैं वो अलग हैं, टाइल्स के कलर का डिफरेंस है सिर्फ, बाकी वुडन का काम सेम है, फिटिंग सारी सेम है। वहां पे भी सेम आपको ड्रेसर मिलता है, इसको बाहर निकालने तो आपको ड्रेसर का काम पर्पज आपका सॉल्व हो जाएगा। ये आपको स्लाइडर्स अलमीराज, अगर किसी ने ओवरहेड स्टोरेज के लिए जाना हो तो वो यहाँ से जा सकता है। बाकी सिंपल आपको छत मिलती है, इस तरीके से आप एंट्री करते हैं तो कुछ आपको इस तरीके से प्रॉपर रूफ मिलती है, डिजाइनर रूफ बहुत ही बेहतरीन शेप्स में और क्रिएटिविटी बहुत जबरदस्त की हुई है। ये आपको प्रॉपर स्पेस मिलता है, थोड़ा सा डार्क हो गया, थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ मैं, और ये आपको बार काउंटर मिलता है इस तरीके से। वीडियो में जो हाइलाइट्स हैं उसमें आप जरूर छत देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा दिन का व्यू। एक्चुअली मैं दिन में ही आया था, एक कॉल आ गई तो मुझे अर्जेंट निकलना पड़ा, और इस तरीके से आपको प्रॉपर सेटिंग का स्पेस मिलता है यहाँ तक, और ये ऊपर आपका बार काउंटर हो गया, और ये प्रॉपर एंड तक आपकी रूफ है, ठीक है। आपको एक्सटेंशन रोड नज़र आ रही है, इधर से आओ आपके DLF के टावर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये आपका छत का सेंटर है, छत पे प्रॉपर टाइल्स दी हुई हैं, कुछ चीज़ें और इसमें ऐड ऑन है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये आपको ओपन पैंट्री मिलती है और बेहतरीन पार्टी आप कर सकते हैं, कम से कम 100-125 बंदा आपका छत पे भी आपका आराम से आ सकता है। और ये पूरा इन्होंने कोई परगोला नहीं दिया हुआ, इन्होंने पूरा HPL का सॉलिड काम किया हुआ है, इसकी भी कॉस्ट लगती है, पूरे पिलर इन्होंने खींचे हुए हैं, बहुत बड़ी बात है बिल्डर के लिए ऐसी छत। मेरे पॉइंट को आप समझें मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ। अब मैं आपको इसके वॉशरूम में लेके चल रहा हूँ, ये आपका वॉशरूम दिया गया है, सारी चीज़ें हाइलाइटेड हैं, ये टेक्सचर पेंट है प्रॉपर, ये आपका WC का स्पेस और ये आपका ओपन टू स्काई शॉवर मिलता है, पूरा बाथिंग स्पेस और ये आपको जकूजी। क्या बोलते हैं सर, रीजन क्या है, इतना बेहतरीन फ्लोर, टॉप फ्लोर गुड़गांव में, शुशांतो 2 में, और क्या ही लोग हैं यार, मेट्रो पास में, घर बेहतरीन लोकेशन में, मार्केट आपके बगल में, और टॉप नोच फिनिशिंग के साथ पावर बैकअप का प्रोविज़न है, गार्ड रखने का प्रोविज़न है, सिक्योरिटी का प्रोविज़न है, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, और इतनी बेहतरीन छत, यहाँ पे पूरी आपकी पार्टी शार्टी आप आराम से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये घर समझ आया हो, फाइनली आपको मैंने ये घर बहुत दिल से दिखाया है। एक्चुअली में घर बहुत बड़ा था, थोड़ा सा मुझे फास्ट होना पड़ा, रीज़न क्या था, डिटेल में जो घर बना दिखाने का जो मज़ा है वो फास्ट में हमें नहीं आता जनरली, और बड़ी मेहनत कर रहे हैं आपको अच्छे अच्छे घर ढूंढ ढूंढ के दिखाने के। ये लेआउट ना बहुत सर बहुत डिफरेंट लेआउट है, आपने ऐसा लेआउट शायद अभी तक ना देखा हो, और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ अगर ये लेआउट औरों से डिफरेंट है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, इससे ना हमें पता चलता है कि हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे डिफरेंट डिफरेंट घर जो लेके आते हैं क्या हम आपके लिए सही चीज़ लेके आ रहे हैं या नहीं लेके आ रहे हैं। हो सकता है कि बजट से ही आप घर ना ले पाएँ, थोड़ा सा बजट का इशू हो सकता है, पर जो लोग DLF में 500 गज 600 गज के साइज़ में 7-7 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट करने के विचार में रहते हैं तो यहाँ पे आपके वो पैसे सेव हो जाएंगे, तकरीबन आपको
4-4.5 की रेंज में ये फ्लोर्स आपको मिल सकते हैं। बेस्ट प्राइस है, बढ़िया चीज़ है, बढ़िया लोकेशन है। देखिए DLF से 5 से 6 मिनट की ड्राइव पे अगर आपको ऐसी लोकेशन मिल जाए, गोल्फ कोर्स रोड के पास में, दिल्ली के पास में, और बढ़िया लोकेशन, बसी हुई बसावट में, सारी मार्केट्स आपके आसपास हैं, कोई जंगल नहीं है। इस लेआउट में खासियत क्या थी, ये अपार्टमेंट लुक का लेआउट है, और बहुत सारे इस बात को मेरी ज़रूर समझेंगे, इन्होंने हर एक घर में प्रॉपर सेपरेट बालकनीज दी हैं। बहुत दिमाग लगाया है बिल्डर ने, आर्किटेक्ट के साथ बैठ बैठ के मीटिंग्स हुई हैं, तो ये चीज़ बहुत प्लस है। तो आई होप आपको ये घर समझ आया हो। मेरी वीडियो में कोई अच्छी चीज़ आपको लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय।